कि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, जो न्यायप्रिय है, जो शांतिप्रिय है, वो कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहा है, भय उसके अंदर व्याप्त है, वह सच को बोलने में भी भय महसूस कर रहा है। तो देश आज बड़ी विचित्र अवस्था में है और ऐसे में देश का संविधान, देश के कानून निष्पक्ष और कठोर होने चाहिए। मदरसे बहुत दिनों से ये मांग उठ रही है, मदरसे बंद होने चाहिए। और दूसरा, जो अल्पसंख्यक करके समाज को बांटा गया है, इस देश में अल्पसंख्यक कोई नहीं है, सब इस देश के वासी हैं, सब समान हैं, सबके समान अधिकार, समान कर्तव्य होने चाहिए। अल्पसंख्यक यह शब्द समाप्त होना चाहिए। देश में आज जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ये बड़ी सोची समझी साजिश है। भारत की तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वह भी इसको हवा दे रहे हैं, और जो विदेशी ताकतें और विदेशी फंडिंग भारत में है, वो कहीं ना कहीं भारत के माहौल को आज बिगाड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात है वो यह है कि हमारे तमाम राजनीतिक दल वोट की राजनीति के चलते, तुष्टीकरण के चलते निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तथा जो हमारा कानून है और हमारा संविधान है, वह भी कहीं ना कहीं निष्पक्ष न्याय नहीं दे पा रहा है। वह भी माहौल बिगाड़ने में या पक्षपात करने में उसकी भी भूमिका है। आज आवश्यकता है कि देश का संविधान और देश के कानून, इस पर पूरे देश के अंदर एक चर्चा होनी चाहिए और इस पर विचार हो के कुछ ना कुछ कानून और संविधान में संशोधन होने चाहिए, जिससे इस प्रकार की घटनाएं कोई भी निर्द्वंद्वता के साथ कि हम सर काट देंगे, हाथ काट देंगे, या हम देख लेंगे, हम सड़कों पे उतर जाएंगे, तो इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा कठोर कानून और संविधान यहाँ बनना चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को भी यह अपील करूँगा।